जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चढ़कर राजनीति कर रहे थे उनको तकलीफ हो रही है, वह डर से एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना बीजेपी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा। ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। जबलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गैर बीजेपी गठबंधन को लेकर दिल्ली में हुई नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रही है। देश में आज कानून का राज है। जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चढ़कर राजनीति कर रहे थे उनको तकलीफ हो रही है, वह डर से एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना बीजेपी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा। यह कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। जबलपुर दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गैर बीजेपी संगठन को लेकर दिल्ली में हुई नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की बैठक पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके दो मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद हैं। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम कर रही है। देश में आज कानून का राज है, लेकिन जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चढ़कर राजनीति कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है, वह डर से एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना बीजेपी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि विपक्षी दल हो या कोई दल हो वह किसी को भी जिताता नहीं है। जनता जिसे अपना आशीर्वाद देती है वह जीतता है, इसीलिए देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वहीं राहुल गांधी द्वारा अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने के आरोपों पर पलटवार करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी झूठ बोलने के सिवाय और कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के पास आरोपों से जुड़े न तो कोई दस्तावेज है और न ही कोई जानकारी, सिर्फ लोगों में भ्रम फैलाकर आप राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। यदि राहुल गांधी के पास सबूत हैं, तो उन्हें जांच एजेंसियों को सौंपना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में आदमी होंगे तो साथ लेके चलेंगे ना, लोग ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह स्खलित हो गई है और हार की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा भी तो निकली थी ना, क्या जोड़ा? राहुल गांधी जी सिर्फ असत्य बोलते हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना ही कोई कागज है, ना ही कोई जानकारी है। लोगों में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर उन पर कोई कागज होता तो संबंधित एजेंसियां उनके पास जाएं, एजेंसियां काम करने के लिए खड़ी। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में कठोर कार्रवाई कर रही है। देश में कानून का राज है और जितने लोग भ्रष्टाचार की बैसाखी पर चलकर राजनीति करते थे उनको अब तकलीफ हो रही है, इसलिए डर के मारे वो इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन उनका इकट्ठा होना या भारतीय जनता पार्टी की जीत को प्रभावित नहीं करेगा, क्योंकि विपक्षी दल या कोई दल किसी को जिताता नहीं है। देश की जनता जिसे आशीर्वाद देती है वही जीतता है, और देश की जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी का। कोई आए कोई जाए, जब चुनाव होगा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, हम सब लोकतांत्रिक तरीके से एक दूसरे से चर्चा करते हैं, ये तो अच्छा ही है।